Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good at your home. So, student, today our subject is English, and now we will continue with reading portion that we have done till page number 18. So, now we will start page number 19. If you have any questions, any doubt, then you can put comment on the feedback section in your school's application. Okay. So, shall we start? I have often been taken around many types of the factories, but as my guides move their lips, I give up all attempts at knowing how cotton or silk is converted into yarn and fabric. मैंने बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में मैं गया हूँ और जो मेरे गाइड होते थे जो मुझे फैक्ट्रीज़ में लेके जाते थे वो मुझे क्या करते थे वो मुझे अपने लिप्स को हिलाते रहते थे मतलब बोलते रहते थे और मैं हमेशा कोशिश करता रहता था कि मुझे सुने कि वो क्या बोल रहे हैं और वो मुझे एक्सप्लेन करते थे कि जो कॉटन और सिल्क है वो कैसे कन्वर्ट होता है फैब्रिक और यार्न में द नॉइस ऑफ द मशीनरी इज ऑलवेज एट अ हाइट higher pitch loudness than the voice of the guide a fact that is generally overlooked by those who take people around factories हमेशा होता क्या था जो नॉइज होती थी मशीनरी की वो इतनी लाउड होती थी इतनी हायर पिच की होती थी किससे जो मेरी साउंड होती थी वॉइस की किससे गाइड की जो उसका गाइड बोलता था वो उसे सुनाई नहीं देता था क्योंकि जो मशीनरी की आवाज़ थी वो उससे भी ज़्यादा तेज होती थी और जनरली ये एक फैक्ट है कि हमेशा जो पर्सन फैक्ट्रीज में जाते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है वाई ऑल द एक्सप्लेनेशन इज गोइंग ऑन माई माइंड कीप्स फिस्टिंग ऑन विजन्स ऑफ अ जोन ऑफ साइलेंस जब सब ये सारी एक्सप्लेनेशन चल रही थी जो मेरा माइंड था वो बार बार मुझे कहाँ रोक रहा था कि कहाँ बार बार स्ट्राइक कर रही थी मेरे बात साइलेंस के लिए कि साइलेंस जो साइलेंस का जोन है और जो साइलेंस के लिए हमारी नज़र होनी चाहिए वो हमारी हम उसके बारे में वैसा नहीं सोचते हैं आई अबेंडेंट अ वेरी कंफर्टेबल हाउस वंस बिफोर अ नेबर हु स्विच्ड ऑन हिज रेडियो एवरी मॉर्निंग एट 5 एंड लुक लॉन्ग बिफोर इवन द गेट्स वर अनलॉक्ड इन एनी रेडियो स्टेशन मैंने अबेंडेंट मीन्स होता है किस चीज़ को लेफ्ट कर देना या छोड़ के चले जाना मैंने एक बहुत कंफर्टेबल हाउस छोड़ा था किसकी वजह से मेरे एक नेबर की वजह से जो रेडियो को स्विच ऑन कब कर लेता था हर मॉर्निंग 5 बजे जबकि रेडियो स्टेशन के गेट्स भी ओपन नहीं होते थे द रिजल्ट ऑफ सच एन अर्ली स्विचिंग ऑन वॉज दैट द रेडियो कैप्ट इट एज अ सॉर्ट ऑफ हमिंग एंड अ मोस्ट हेरेंसिक accompaniment unbroken like the humming of a thousand bees जो इसका रिजल्ट क्या होता था रेडियो को सुबह 5 बजे हॉन करने का जो उसका नेबर हॉन करता था वो किस लिए करता था ताकि वो साथ में हमिंग मतलब होते गुनगुनाना लाइक दिस हम इज अ वर्ड जिसमें हम गुनगुनाते हैं ओके तो वो सबसे ज़्यादा इरिटेट करने वाली और सबसे ज़्यादा तंग करने वाली हरकत होती थी उसकी क्यों क्योंकि वो ऐसे लगता था कि जैसे मक्खियाँ नहीं भिन भिन आती है थाउजेंड ऑफ द बीज मतलब मक्खियाँ जो मक्खियाँ भिन भिन आती हैं उसकी आवाज़ की तरह ऐसा लगता था आई फियर दैट दिस माई मे मिसलाइड माई रीडर्स बाय इट्स पोएटिक एसोसिएशन मुझे ये डर रहता था कि जो मेरी स्माइली है ये चीज़ मेरी रीडर्स है जो मेरी चीज़ को पढ़ते हैं जो पोएटिक मेरी एसोसिएशन है उससे मिसलीड मतलब गलत वे पे मत समझ आए बट फार फ्रॉम इट दिस हमिंग वॉज लाइक द स्क्वेरिंग ऑफ वंस ब्रेन बाय मैनी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टॉर्चर समथिंग लाइक अ पैन्यूमेटिक ड्रिल ऑपरेटिंग एट वंस टेम्पल कहने का मतलब उसका ये था कि जो हमिंग की मतलब जो वो गुनगुनाने की आवाज़ होती थी वो ऐसे लगती थी कि जैसे वो किसी के दिमाग को टॉर्चर कर रही है कि किसी दिमाग को मतलब तंग कर रही है इतनी गंदी तरह इरिटेट कर रही है ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई टेम्पल में ड्रिल की मतलब जब हमको ड्रिल की साउंड होती है वो कितने इरिटेटिंग साउंड होते हैं तो ऐसे साउंड उसे फील होती थी वाई माई नेबर शुड हैव क्यूड अप सो अर्ली इन द डे इन ऑर्डर टू रिसीव अ रेडियो प्रोग्राम वॉज अ थिंग आई कुड नेवर अंडरस्टैंड जो मेरा नेबर था वो हमेशा सुबह उठ के 5 बजे रेडियो का प्रोग्राम क्यों सुनता था मुझे आज तक समझ नहीं आई इट्स ओनली अ अफेक्ट वॉज टू मेक मी गेट अप अर्ली सिंस आई डिड नॉट लाइक टू लाई इन द बेड वेलोइंग इन अ चैरिटेबल नेबरली थॉट्स द फर्स्ट थिंग इन द डे इसका मतलब ये था कि
कि उसे पसंद नहीं था बिल्कुल भी बेड में वैलोइंग, वैलो मीन्स होता है लोट लगाते, मतलब इधर से उधर पलटी खाना, उसे ये चीज़ पसंद नहीं थी कि वो बेड में ऐसे ही लेटा रहे और इधर से उधर लोट खाता रहे, क्योंकि जो उसके जो नेब्रल था, जो उसका अनचैरिटेबली थॉट्स होते थे, मतलब उसके जो थॉट्स होते थे जो वो सुन भी ना पाए, ऐसे थॉट्स के साथ वो अपनी मॉर्निंग स्टार्ट नहीं करना चाहता था। मोर एवर आई वॉज नॉट विदाउट होप्स इन सम फ्रेंड हु न्यू ऑल अबाउट रेडियोज टोल्ड मी दैट माई नेबरर्स हैबिट ऑफ स्विचिंग ऑन द रेडियो व्हेन द ट्रांसमीटर वॉज स्टिल कोल्ड वॉज अ वे ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वेल्व इफ नॉट द रेडियो इटसेल्फ। जबकि मुझे ये बात मेरी किसी फ्रेंड ने बताई थी कि जो रेडियो में काम करता था, कि जो मेरा नेबरर है वो इस चीज़ इसलिए करता है ताकि वो इस चीज़ के साथ जो उसकी वाल्व है उसको डिस्ट्रॉय कर पाए, और जबकि रेडियो भी ये चीज़ नहीं चाहता। बट नथिंग अकर्ड अलोंग दोज हैप्पी लाइन्स आई हैड टू मूव ऑन, बट इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं हुआ, मुझे अपनी चीज़ से मूव ऑन करना पड़ा। आई समटाइम्स फील दैट गुड हु कंस्ट्रक्टेड द ह्यूमन बॉडी विद सो मच फॉर थॉट सीम्स टू हैव बिकम वेरी व्हेन ही केम टू द ईयर्स एंड लेफ्ट देम एज द मोस्ट वल्नरेबल पोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मैं समटाइम्स मुझे ये थॉट आता है कि जो गॉड है उन्होंने ह्यूमन बॉडी को किस लिए बनाया था, बहुत सारी सोचने और सोचने की बुद्धि के साथ हमें बनाया गया था, बट ऐसे लगता है कि हम इतने कैजुअल और इतना हमारा रहन सहन ऐसा हो चुका है कि हम जो हमारे ईयर्स में आता है और जो रह जाता है वो सब हम सुनते हैं और ध्यान भी नहीं देते हैं। द रिजल्ट इज दैट वी स्पेंड ऑल अवर आवर्स लॉन्गिंग फॉर समथिंग दैट वी कैन नॉट अटेन नेमली साइलेंस। तो इसका रिजल्ट यही निकल के आता है, हम जिंदगी के इतने आवर्स और अपने लाइफ के इतने घंटे ऐसे ही स्पेंड करते हैं जहाँ हमें एक चीज़ नहीं मिलती है जो कि है शांति। ओके, दिस इज द चैप्टर फ्रॉम द आर के नारायण राइटर एंड नाउ वी विल मूव ऑन द एक्सरसाइज पोर्शन। ये आपके कुछ यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स है, आप इन्हें रीड करेंगे। इफ़ आपको कोई वर्ड मीनिंग समझ नहीं आता या वर्ड का भी मीनिंग आपको चैप्टर में से या कहीं से भी समझ नहीं आता, तो यू कैन आस्क इन द फीडबैक सेक्शन ऑफ योर स्कूल एप्लीकेशंस। तो एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वन इज द एमसीक्यूज। द नॉइजेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ आर एनिमल्स बर्ड्स एंड चिल्ड्रन। कौन थे? चिल्ड्रन थे। तो चिल्ड्रन पे ट्रिक करेंगे। द नॉइज इज द ग्रेटेस्ट बैन ऑफ डैश लाइफ। जो नॉइज है वो कौन सी लाइफ का सबसे ज्यादा बैन है? ठीक है, तो फर्स्ट आंसर क्या आएगा? मॉडर्न लाइफ का। द नॉइज इज द ग्रेटेस्ट बैन ऑफ अ मॉडर्न लाइफ। कि जो आज है मॉडर्न लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा बैन किस चीज को होना चाहिए? नॉइज को, शोर को। द ऑथर ड्रीड्स ऑफ लिविंग नेक्स्ट टू अ मैन ऑइंग अ डैश। जो ऑथर था वो किससे तंग था? जो जिसके पास रहता था, मतलब किस बात से ज्यादा तंग था? मोटरबोट थी, बाइसाइकिल थी या मोटरसाइकिल थी? उसके पास मोटरसाइकिल थी। द ऑथर नीड्स डैश टू लिव अ लाइफ। जो ऑथर था उसे किस चीज की जरूरत थी जिंदगी को जीने के लिए? साइलेंस की, मनी की और गोल्ड की? साइलेंस की। ओके, सो अब हम करेंगे ट्रू फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमें क्या करना है? टी हमने लिखना जहाँ पे ट्रू होगा और एफ हमें लिखना जहाँ पे फॉल्स होगा। द प्रेजेंट एज कैन बी कॉल्ड एज अ नॉइजेस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। इट्स ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। यहाँ पे हम लिखेंगे टी। द मोस्ट डिफीनिंग प्लेस ऑन द अर्थ इज अ गोल्ड फैक्ट्री। ट्रू और फॉल्स? ट्रू, कि धरती के ऊपर सबसे डिफनिंग करने वाली है, सबसे तपाने वाली चीज कौन सी है? गोल्ड फैक्ट्री है। ओके, एंड डिफनिंग सबसे आवाज वाली कौन सी चीज है? जहाँ पे सबसे ज्यादा हम बोल दे, जैसे गगनभेदी या हम गर्जना पूर्ण बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज क्या है? गोल्ड फैक्ट्री है। तो ये ट्रू है। अ प्लेंटेन मेक्स इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू हियर। नो, इट्स फॉल्स। द चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास। जो बच्चे हैं वो क्लास में शोर नहीं मचाते, ये भी फॉल्स है। ओके, इतना हमारा हो चुका है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं कुछ, हम टू क्वेश्चंस कर लेते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नॉइस इज बट नाउ वट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ओपन योर इंग्लिश नोटबुक्स और योर नोटबुक वेयर यू रॉट डाउन दीज क्वेश्चन आंसर्स। वहाँ हम कॉपी को खोलेंगे, वहाँ पेज नंबर, चैप्टर नंबर लिखेंगे हमारा 3, क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से
कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे यहाँ से देख के, वीडियो को पॉज करके, फिर वीडियो को प्ले करेंगे, फिर हम इसका आंसर देखेंगे, फिर जहाँ पे आंसर आपको शो होगा वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करेंगे, फिर आंसर को नोट डाउन करेंगे देख के, उसके बाद आप वीडियो को प्ले करके अपने आंसर्स को समझेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिख लिया है यहाँ पे, नॉइज इज ओनली द बैन ऑफ अ मॉडर्न लाइफ, तो इस लाइन को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो हम क्या लिखेंगे, नॉइज इज ओनली द बैन ऑफ मॉडर्न लाइफ मीन्स दैट इन डे टू डे लाइफ वी नोटिस नॉइज एवरीवेयर, इन स्कूल्स, ऑन द रोड्स एंड एट होम्स, द होकर्स ऑन द स्ट्रीट एंड द साउंड व्हीकल क्रिएट नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज इन द ओनली बैन ऑफ द मॉडर्न लाइफ का मतलब ये होता है कि दिनों दिन लाइफ में हम क्या देखते हैं कि जो शोर है वो हर जगह है, स्कूल्स में भी शोर है, रोड पे भी शोर है, घर पे भी शोर है। हॉकर्स क्या होते हैं, फेरी वाले जो ये चीज़ें बेचने आते हैं, और जो ये स्ट्रीट में, गली में, स्ट्रीट मतलब होता है गली, वहाँ पे वो इतना शोर मचाते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं उनकी साउंड भी क्या करती है, नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करती है। सो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हाट डज द ऑथर एट्रीब्यूट द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द प्लांटिन होकर्स। जो ऑथर है वो क्या बताना चाहता है कि जो आजकल फेरी वाले हैं वो इतने इंक्रीज क्यों हो गए हैं। उसका आंसर है द ऑथर एट्रीब्यूट्स टू ग्रो मोर फूड कैंपिज्म। इसका मतलब है कि जो ऑथर का मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए, ग्रो मोर फूड, हमें खुद से ही फूड को उगाना चाहिए और ये कैंपेन हमें चलाना चाहिए। ओके, एंड द थर्ड वन इज Why did the author feel so weary? जो author है उसको weary क्यों feel होता था? The author felt so weary because it was impossible for him to concentrate on any study or writing at home. जो author था उसे अजीब और इतना परेशान वो किस लिए था? क्योंकि उसके लिए हर चीज़ नामुमकिन हो चुकी थी, concentrate मतलब कहीं पे ध्यान लगाना किस बात पे, या तो पढ़ने में या किसी चीज़ को लिखने पे घर के अंदर, क्योंकि शोर इतना आता था उधर। ओके, एंड द नेक्स्ट इज द नॉइज इज इन एंड अराउंड अस इन वेयरिंग अस आउट अ ट्रैफिक पेस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो? द नॉइज इन द एंड अराउंस अस इज वेयरिंग आउट अस अ ट्रैफिक स्पेस। बाय दिस स्टेटमेंट द ऑथर मीन्स, इतना हम लाइन क्वेश्चन वाली हम लिख के क्या बताएंगे, दैट बिकॉज ऑफ द नॉइज दैट एवरेज इंडियन लाइफ इज ओनली 65 ईयर्स, दैट इज मेकिंग द अर्थ टैरिफ स्पेस। कि कहने का मतलब इसका ये है कि इस शोर की वजह से जो आज इंडिया है उसमें जो पर्संस रहते हैं या ह्यूमंस रहते हैं उनकी लाइफ सिर्फ 65 ईयर्स रह चुकी है, और ये चीज़ अर्थ को एक टेरिफिक स्पेस मतलब एक डरावनी जगह बना रहा है। ओके, एंड द क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज, व्हाई डू वी नीड अ पीसफुल लाइफ, हमें एक पीसफुल लाइफ क्यों चाहिए, हमें एक पीसफुल लाइफ किस लिए चाहिए? वी नीड अ पीसफुल लाइफ बिकॉज ओनली अ पीसफुल लाइफ इज़ अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। हमें वो चीज़ इसलिए चाहिए क्योंकि जो पीसफुल लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा हमें खुश रखती है और हेल्दी रखती है मतलब तंदुरुस्त रखती है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, प्ले विद वर्ड्स का हमारा थोड़ा सा रह गया, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये वाली एक्सरसाइज हम बुक्स में करेंगे। राइट द सिनोनियम ऑफ द वर्ड, सिनोनियम मतलब होता है किसी चीज़ की सेम वर्ड लिखो किसी और मतलब में। कॉमोडिटी, कॉमोडिटी का मतलब क्या होता है, कॉमोडिटी का हमें एक सिनोनियम लिखना है मतलब सेम वर्ड लिखना है। ओके, जिसे हम पर्यायवाची शब्द कह देते हैं हिंदी में। कॉमोडिटी का वर्ड क्या आएगा, गुड्स। कॉमोडिटी का सिनोनियम क्या आएगा, गुड्स। ओके, नेक्स्ट है एलिगेंट, एलिगेंट का क्या वर्ड आएगा सिनोनियम, ग्रेसफुल मतलब सुंदर कोई भी चीज। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे एगिएशन, एगिएशन का क्या वर्ड आएगा, एंजाइटी। एगिएशन क्या क्या आएगा, एंजाइटी। कैंपियन का क्या मतलब आएगा, स्ट्रगल। कैंपियन का क्या मतलब आएगा, स्ट्रगल। एंगाइज्ड का मतलब क्या आएगा, डिस्ट्रेस्ड। क्या आएगा, डिस्ट्रेस्ड। एंड बैन का मतलब क्या आएगा, कर्स। जो ये प्ले विद वर्ड्स वाली आपकी एक्सरसाइज है ये आपके एग्जाम्स में नहीं आएगी, बट दिस एक्सरसाइज इज फॉर योर इंग्लिश वोकैबुलरी, सो यू जस्ट राइट डाउन द न्यू वर्ड्स। ओके,
And the next one is, read the sentences about jobs and name the people who do them. हमें क्या करना है, हमें sentences को पढ़ना है और फिर वो चीज़ लिखनी है कि हमें वो नाम लिखने हैं कि जो ये persons करते हैं. You may choose words from the box, write your answer in a space provided, once has been done for you. आपको क्या करना है, जैसे ये जो lines लिखी है उसमें एक मतलब लिखा है, उस मतलब के अकॉर्डिंग वो काम कौन पर्सन करता है, उस मतलब उस पर्सन का नाम हम क्या बोलते हैं, आपको वो नाम यहाँ पे बताना है और वो किस वर्ड में से होगा, ये जो ऊपर दिए गए वर्ड्स हैं इनमें से होगा. आई ट्रेवल अबाउट सेलिंग गुड्स बाय शाउटिंग. मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेवल करता हूँ बट अपनी चीख चीख के अपनी चीज़ें बेचता हूँ. ये कौन करता है, फेरी वाला करता है, जो क्या कौन होता है, हॉकर होता है. ओके, आई राइट बुक्स और नॉवल्स. मैं बुक्स और नॉवल्स को लिखता हूँ. बुक्स और नॉवल्स कौन लिखता है, ऑथर लिखता है, ये वाला. ओके, ऑथर, तो ऑथर आपको यहाँ पे लिखना है, स्पेलिंग आप यहाँ से चेक कर सकते हैं. आई कट योर हेयर एंड गिव इट अ न्यू स्टाइल. मैं आपके हेयर्स को कट करता हूँ और आपको एक नया स्टाइल देता हूँ. ये काम कौन करता है, हेयर ड्रेसर. कौन करता है, हेयर ड्रेसर, जिसे हम हिंदी में नाई भी बोल देते हैं. हेयर ड्रेसर की स्पेलिंग आप यहाँ से चेक करेंगे, थर्ड इज हेयर ड्रेसर. आई सेल फ्लावर्स एंड अरेंज देम इनटू अ ब्यूटीफुल बुकेस. मैं क्या करता हूँ, मैं फूलों को बेचता हूँ और उनके ब्यूटीफुल जो होते हैं बुके बनाता हूँ. तो ये काम कौन करता है, फ्लोरिस्ट. कौन करता है, फ्लोरिस्ट, जो फूल बेचता है और फूलों के बुके बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट बोलते हैं. ठीक है, फ्लोरिस्ट ये वाला आ जाएगा. आई वर्क इन अ रेस्टोरेंट और अ कैफे एंड प्रिपेयर फूड फॉर अदर्स. मैं क्या करता हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट या कैफे में काम करता हूँ, मैं दूसरों के लिए फूड बनाता हूँ. तो वो क्या आ जाएगा, शेफ आ जाएगा. वो क्या आ जाएगा, शेफ, CHEF, शेफ. ओके, आई सेव योर लाइफ बाई जम्पिंग इन टू द पूल और सील वाइल यू आर ड्राइविंग. मैं तुम्हारी लाइफ को बचाता हूँ जब तुम किसी पूल में डूब रहे होते हो स्विमिंग करते टाइम. तो वो कौन होता है, लाइफ गार्ड होता है. वो कौन होता है, लाइफ गार्ड. तो यहाँ पे हम लाइफ गार्ड लिख देंगे. सो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4. सो दिस इज योर वीडियो फ्रॉम कॉस्मोज इंटरनेशनल स्कूल. हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स.